नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या कल मेरिट सूची जारी होगी एक बार फिर? क्या कल स्कूलों को स्कूल मिलेंगे अतिथि शिक्षकों को जिन्होंने चॉइस फीलिंग की है? जैसा कि अतिथि शिक्षकों के प्रदेश अध्यक्ष सुनील परिहार जो कि DPI गए थे, उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन में सभी विसंगतियां जो अतिथि शिक्षकों के साथ उलझी हुई हैं वो पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन देखते हैं, लगातार 1-2 महीने से ऐसे ही नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, अतिथि शिक्षकों के 2 प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन है। पहले स्क्रीन पर एक अपडेट देखिए, इसके बाद में और भी कुछ बताऊंगा भाइयों। जैसा कि शिक्षा मंत्री अपने बयान से बदल रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा और अब यहां पर वो बोल रहे हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वाले अभ्यर्थी कहां जाएंगे। कहीं ना कहीं ये अतिथि शिक्षकों के लिए दुख की बात है मित्रों। यहां पर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संगठन संघर्ष समिति द्वारा नियुक्त किए गए पद अधिकारी गण, यहां पर आप देख सकते हैं, संगठन के हित में कार्य करते रहेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संगठन संघर्ष समिति द्वारा नियुक्त किए गए प्रदेश अध्यक्ष शंभुचरण दुबे की अनुशंसा पर प्रदेश सचिव राकेश कुशवाहा एवं कार्यकारी जिला अध्यक्ष श्री नाथ रजौरिया की सहमति पर संगठन विस्तार हेतु मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के जिला मीडिया प्रभारी के पद पर विक्रम सिंह रघुवंशी, जिला उपाध्यक्ष अनिकेत रावत, जिला उपाध्यक्ष इरशाद, जिला रायसेन मध्य प्रदेश को नियुक्त किया जाता है। आप संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे एवं संगठन के हित में कार्य करते रहेंगे, इस पर गोविंद सिंह राजपूत, तरुण चौधरी धाकड़, नीलेश ग्वाहिया, ओकेश धाकड़, धीरज सिंह रघुवंशी, हनुमंत सिंह मीणा एवं अतिथि शिक्षक संघ द्वारा बधाइयां शुभकामनाएं दी। समस्त अतिथि शिक्षक द्वारा बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी गई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मित्रों, शंभुचरण दुबे ने अतिथि शिक्षकों के लिए विशाल आंदोलन भी किए हैं और उनके पास में वो जज्बा है, लेकिन मध्य प्रदेश में कई वर्षों से अतिथि शिक्षकों के प्रदेश अध्यक्ष सुनील परिहार को भी बताया जा रहा है। और यहाँ पर 2-2 अतिथि शिक्षकों के संगठन है, आप किसको अपना मत प्रदान करना चाहते हैं वो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। इसके बाद में एक भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीन पर मैं बता रहा हूँ, ये प्रोफाइल है और इनको स्कूल मिला है आप देख सकते हैं। लेकिन उस स्कूल में जे गए तो इनको बताया गया है कि यहाँ पर कोई वैकेंसी खाली नहीं है। वो विसंगति क्यों हुई इसको लेकर मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अतिशेष के कारण जो मैटर उलझा हुआ है वो उलझ चुका है। अब जिन भाइयों को स्कूल अलॉटमेंट होंगे वहाँ पर उनको बताया जाएगा कि यहाँ पर पद नहीं है, तो इसी का सुधार हो रहा है। और जिला शिक्षा अधिकारी ने जो काउंसलिंग की थी अतिशेष शिक्षकों की, वहां पर पदों को लॉक किया गया है। अतिथि शिक्षक का पद भी खाली बता रहा है और वहां पर पद भर चुका है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी विसंगति है मित्रों। लेकिन अब की बार अतिथि शिक्षकों का जो हाल हुआ है वो कभी नहीं हुआ है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले महापंचायत बुलाई, महापंचायत में घोषणाएं हुई और एक गीत हो गए कोरे कि महापंचायत हुई थी उसका कुछ हमको लाभ नहीं मिला है। और अब सरकार कहीं ना कहीं, जब कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है तो सरकार कह रही है सिर्फ 25% आरक्षण है, वो भी शिक्षक भर्ती में। और अब शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा के माध्यम से नहीं, चयन परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, इसको लेकर बड़ी दिक्कत होगी। अब पात्रता परीक्षा तो एक जैसे आपके पास में BEd और DEd है ऐसा एक रूल हो गया है, बाकी जो भर्ती होगी वो चयन परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं, ये यहाँ पर जो अतिथि शिक्षकों की दिक्कत है, क्या सरकार अब धीरे धीरे अतिथि शिक्षक पद खत्म करेगी? क्या अतिथि शिक्षकों को लगातार ऐसे ही काम करवाती रहेगी? क्या हर साल नए अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे, पुरानों को हटाया जाएगा? ये कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और अतिथि शिक्षकों की नियमित भर्ती होनी चाहिए। एक बार भर्ती होने के बाद
डबल से भर्ती ना हो। तो भाइयों आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, बाकी कल हो सकती है मेरिट सूची जारी और आप अपना प्रोफाइल चेक करते रहे मित्रों। बाकी फिर आऊंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, आप सभी को जय श्री।